तमाम परिवार आज जो है एकत्रित होकर जो है एक रोष जो है प्रकट कर रहे हैं। और आखिर प्रदर्शन क्यों, यह सवाल खड़ा होता है, आखिर प्रदर्शन क्यों? कारण यह है कि जिस तरह से रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया, वहीं पर आज जम्मू के अंदर जो है सिद्धड़ा हाईवे को जो है नेशनल हाईवे को जो है वो ब्लॉक किया गया। वहीं पर आज जम्मू के जितने भी तमाम रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं वो आक्रोश में हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनका कहना है, क्या 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 कहेंगे। लगातार जो है एक महीने से आपकी सुनवाई नहीं की जा रही है, क्या लगता है आपको? हमको क्या लगता है, भूखे मर जाएंगे हम, बच्चे भूखे मर जाएंगे, और क्या है, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं निके निके, कोई दूध भी मांगता है, कोई पैसा मांगता है, क्या खिलाएंगे उनको? जो पहले कहाँ थी गवर्नमेंट, हमको मार दो, ख़त्म कर दो, इसे हम सीधे से चले जाएंगे। फिर हम शुरू से जहाँ आए थे किराएदार पे रहते हैं इधर, वे चले जाएंगे, हम शुरू से इधर रहते हैं, पहले कहाँ थी गवर्नमेंट? कितनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते, पहले सरकारों को याद नहीं आई? वही बात है, सरकार को पहले याद नहीं थी ना, जो पिछले चले गए उनको भी चले, पहले कहाँ गई थी सरकार, सोई थी कहीं? और हमको, हम छोटे छोटे बच्चे गरीब लोग हैं, कोई नौकरी थोड़ी है, क्या करेंगे छोटे छोटे बच्चे, क्या खिलाएंगे हम? किसी का बेचारी का ऊपर सिर से नंगी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, क्या खिलाएंगे, कहाँ से मजदूरी करेंगे? वो इधर से निकल के छोटे खोखे लगाए थे, खोखे लगा लगा दिहाड़ी लगाते थे, बेचारे खाते थे, उन गवर्नमेंट को मिल गया, उनको भगा दो, गोली मार दो, बच्चों को मार दो, सभी को बच्चे, गवर्नमेंट के ना बच्चे हैं ना कुछ है, हमारे बच्चे वो भी दर्द लाने थे ना बच्चे हमारे पास, फिर उनको पता चलता कैसे खाने होता है इधर, कैसे मुझे करना बताए। हमारी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके घर बच्चे भी हैं, फैमिली भी है ना, ऐसे इधर की भी मजबूरी समझो ना। माता जी, क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों, आखिर क्यों सरकारें सुनती नहीं है, सरकारों के कान बंद पड़े हैं? सरकार को बोलना चाहिए ना, आप लोगों ने तुम्हारी ड्यूटी है, बोलना चाहिए ना सरकार को, क्यों तंग कर रहे हैं गरीबों को? बोलते हैं कि गरीबों के घर भरे जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आखिर क्यों खत्म ही कर रहे हैं गरीबों में, मुझे लगता है ऐसे ही। 40 दिन से हम बैठे हुए हैं, अब तो हमारे घर भी बंद हो गए हैं, इन्होंने बंद भी घर भी सील कर दिए, हमारे घर भी इधर ही है नीचे, ऊपर दुकानें डाली है, नीचे घर है हमारे, किस तरह से चलेगा पूरा? पर क्या करेंगे हम, तो हमारी औकात अब ये भी नहीं रहेगी, हम पानी पिला दे बच्चों को, स्कूल का तो छोड़ो, बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते अब। एक तो ऊपर से एक तो कोरोना के बाद इस तरह से ये पूरा, जब कोरोना था तब सरकार ने कोई पूछा कि गरीब लोग यहाँ पे मर रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं ये, तब पूछा? अब 1-2 महीना हुआ हमने शुरू किया काम, तो उसके बाद ये बंद करवा दिए इन्होंने आगे। क्या आपको बताया कि क्या कारण है? कुछ नहीं है, पहला आते हैं ये बंद करने के लिए, 2 दिन के लिए बंद कर दो, 2 दिन देखते देखते इधर 40 दिन हो गए, आज बोल रहे हैं कि सील कर दिए, सील कहाँ से करें, हम घर कहाँ से जाएंगे अपने? क्या लगता है कि सील करने के बाद क्या सरकार क्या स्टेप लेगी आगे? समझ नहीं आ रही है हमें, कोई पता नहीं है, क्या पता कुछ भी कर सकती है सरकार, इतना कुछ कर रही है, क्या पता क्या कर सकती है, फिर क्या होगा, किस तरह से चलेगा परिवार? ऐसे ही यहाँ पे मार दें, हमें बच्चों के साथ मार दें, और क्या है, मार दो तो अच्छा है, हम इधर आखिर क्यों ऐसा, क्या लगता है? माता जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इतनी उम्र होगी आपको इधर रहते हुए, क्या सरकार को तभी याद नहीं आई थी जब आप लोगों ने घर बनाया था? बेटा मैं भी सोच रही हूँ, पहले क्यों नहीं इन्होंने बोला, सरकार ने पहले जो हमारे पिछले दादे चरदादे हैं उन्होंने इधर भगा देना था, फिर हम इधर नहीं पैदा होते, आगे हमारे बच्चे नहीं इधर पैदा होते। तो वो कहते हैं कि स्टेट लैंड है, इन्होंने कब्जा किया है, कौन कहते हैं? हमारे कागज जमा हुए हैं, हमारे पहले कागज जमा कराए हैं इन्होंने, बिजली के बिल जमा कराए हैं, पानी के जमा कराए हैं, बिजली का बिल लाख लाख रुपया हमारा बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल कितना आता है, लाख लाख रुपया हमने दिया है, वो कहाँ जाता है, वो सरकार नहीं लेती रही है, वो हम चोरी करके देते थे, कैसे बिजली का बिल आए इधर, 60-60 हज़ार रुपया हमने बिजली का बिल दिया है। ये समस्या आप सुन रहे हैं जनाब, देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये गुंडागर्दी है, आखिर सुनवाई नहीं की जा रही, धक्केशाही चलती पई है, ये जबरदस्ती है ना, धक्केशाही चलती पई है गरीबों को मारने वास्ते। गरीबों ने तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने रोजगार देगा, गरीबों वास्ते धक्केशाही है, गरीबों ने किधर जाना सुनाओ, कोई नौकरियां नहीं लगी दी तुहाडे वर्गे, मेरे भी बच्चे ना पढ़ाए दे लिखाए देना, मेहनत मजदूरी करके मैंने लकड़ियां बेच रही पढ़ाए देना, इसे रोजगार पर बैठे देना, उन्होंने बच्चे पाले ने, इतों पाले ने, कितों पाले ने, उन्होंने जो कमाई पिछली असें की असं इतने लगाई है, लोन चुके असं लगाया है, हूँ अं किधर जाइए? जिस तरह से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, क्या ये आत्मनिर्भरता है, क्या ये इंसानियत है? जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी क्या निर्भर हो रहा है यहाँ पे, आपने देखा नहीं है अभी फैमिलियों की फैमिली रोड पर आ रही है, पहले तो हम खबरों में देखते थे, न्यूज़ में देखते थे, आज हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं ना ऐसे, कोई बोलता है अच्छा हुआ इनके साथ, अच्छा हुआ, कल हम ही ठीक थे, आज हमारे साथ है, कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा, सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। साफ तौर पर जो है गुस्सा तो प्रकट हो रहा है,
एक महीने से जो इंतजार किया जा रहा है कि हमारे 40 दिन हो चुके हैं और 40 दिन हो गए हैं कि आज इनके घर परिवार में जो है चूल्हा तक नहीं जला है। जनाब इनका कोई सोचो, ये गरीब परिवार है, गरीब तबका है, रोजी रोटी जो है दिन दिहाड़ी लगाकर पालते हैं, पूरे बच्चों को पालते हैं, पिछले 40 दिन से जो है इस तरह से ही रोड़ों पर है और अपनी आवाज़ को जो है बुलंद कर रहे हैं, सरकारों तक पहुँचाने। सरकार आखिर क्यों नहीं इनकी सुनवाई कर रही है और सरकारों तक इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तक पहुँचाने का प्रयास किया है, मगर फिर भी अगर हम बात करें तो अब तक जो है सुनवाई नहीं की जा रही है। पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएँ आज सड़कों पर पहुँच चुकी हैं। आखिर ये मुख्य कारण क्यों? तब तक लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए। जब तक सरकार जवाब नहीं देगी तब तक हम भी और सरकारों तक जो है इनकी आवाज़ जो है वो पहुंचाते रहेंगे और अपनी आवाज़ जो है इनके साथ जो है बुलंद रखें। तब तक लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।